आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नागपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने पुलिस के सभी आला अधिकारियों के साथ मिलकर रूट मार्च किया। यह रूट मार्च तहसील पुलिस स्टेशन के कई संवेदनशील इलाकों से लेकर महल गांधी बाग में भी किया गया। इस रूट मार्च का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में इलाकों की जानकारी रखना है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने दी। अभी एरिया डोमिनेशन जो है उसका हम सब लोगों को, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन स्मूथली हो, कोई घटना ना हो, उसके लिए एरिया डोमिनेशन और एरिया फैमिलियराइजेशन, जो बाहर से काफ़ी फोर्सेज आए हुए हैं उन सबके साथ में हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और उनको भी किस तरह का एरिया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हों वो हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, किस किस टाइप के फोर्सेज अभी आपने साथ में अपने यहाँ पर देखे थे? जो मैंने बताया आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो चल रही है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे नागपुर के जो सीपी है उन्होंने एक एरिया आने वाले इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से एरिया का नुमाइना किया जा रहा है, कई तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कई तरीके की फोर्सेस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ पर कंटिन्यू एरिया का जायजा ले रही है कि आने वाले फोर्सेस को इलेक्शन के समय पे सारे एरिया का नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। उस वजह से आज नागपुर के नवनियुक्त सीपी रविंद्र सिंगल सर वो खुद स्पॉट पर रहकर और जो ज्वाइंट सीपी मैडम है, कई तरीके के पूरे पुलिस फोर्स आला अधिकारी यहाँ पर रास्ते के ऊपर में मार्च रूट मार्च निकाल करके रास्ते की जानकारी ले रहे हैं, एरिया की जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से स्मूथली सभी तरीके से सब चीजें यहाँ पर हैंडल की जा सकती है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं अखिलेश भारद्वाज, बीसीएन न्यूज चैनल।